सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशन पाएं। प्रतिष्ठा ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लास वेगास में गोलीबारी के बाद वहां पहुंचे। उन्होंने कहा देश शोकग्रस्त है और उन्होंने शीघ्र मदद पहुंचाने वालों को शुक्रिया अदा किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री रिक टिलरसन ने कैबिनेट से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने मीडिया की रिपोर्ट को पूरी तरह से बकवास बताया है और जिसमें ये कहा गया है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मूर्ख करार दिया है। भारत और अफगानिस्तान के बाद अमेरिका ने एक बार फिर आतंकवादी संगठनों से मिले होने को लेकर पाकिस्तान पर निशाना साधा है। अमेरिका के एक शीर्ष जनरल ने कहा है कि ISI की अपनी विदेश नीति है। अमेरिका पाकिस्तान को एक बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के नॉन नाटो दर्जों को वापस लाने पर विचार किया जा सकता है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट वन बेल्ट वन रोड पर अमेरिका ने भारत के विरोध का समर्थन किया है। ट्रंप प्रशासन ने साफ कहा है कि वह एक विवादित बयान में से होकर गुजरेगा। कंबोडिया ने अमेरिकी नागरिकों की देश में एंट्री पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने ये कदम डोनाल्ड ट्रंप के उस नए कार्यकारी आदेश पर उठाया है जिसमें लंबिया समेत 8 देश के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश से मनाई है। विमान ने बुधवार को उत्तर इराक पर हमला किया। आतंकवादी संगठनों के 13 सदस्यों को मारकर हमले की तैयारी को विफल किया गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को विकसित कराने के लिए वैज्ञानिक जेक्स डबसेट और रिचार्ड हेडरसन को रयासन विज्ञान की तरफ से नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। जर्मन तानाशाह एडॉल्फ हिटलर का एक निजी ग्लोब अमेरिका में $65,000 में बिका। यह बहुत ही अनूठा ग्लोब है और ये ग्लोब द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में एक अमेरिका का सैनिक यादगार के तौर पर लेकर आया था। कोरिया ने परमाणु हथियार से जापान को नष्ट करने की चेतावनी दी है। उत्तर कोरिया पर अधिक दबाव डालने के लिए, व्रता के विकल्पों को खारिज करने के लिए और जापान के प्रयासों को मद्देनजर रखते हुए प्योंगयांग ने धमकी दी है। आज ग्लोबल में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करिए हमारा फेसबुक पेज, सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल और अब आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। नमस्कार।